तो वेनम 2 का ट्रेलर और कार्नेज का प्रॉपर अपीयरेंस देखने के बाद ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये मूवी फुल ऑफ एक्शन होने वाली है। और इसके अलावा ये बात भी क्लियर है कि इस मूवी के अंदर भी पिछली मूवीज की तरह ही हमें कई सिम्बियोट्स दिखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन टॉप 10 पावरफुल सिम्बियोट्स की बात करेंगे जो कि हमें वेनम की अगली मूवी या फ्यूचर में आने वाली मूवीज में दिख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम उन सिम्बियोट्स की बेसिक ओरिजिन और पावर लेवल्स की बात करेंगे और इनकी पावर्स को देखते हुए इन्हें इस वीडियो में रैंक करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पहले ही वेनम वर्सेस कार्नेज पर एक वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो के अंदर हमने क्लियरली बताया हुआ है कि अगर इन दोनों पावरफुल सिम्बियोट्स की फाइट होगी तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर वेनम लेट बी द कार्नेज मूवी और ट्रेलर को लेकर आपका कोई भी रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने वेनम मूवी देखी है तो आप सिम्बियोट्स को तो जानते ही होंगे, पर अगर तब भी नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि सिम्बियोट क्लेंटार प्लेनेट की एक एलियन रेस है, जिन सिम्बियोट्स को अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज का इस्तेमाल करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद जाकर ही वो अपनी पावर्स को यूज कर पाते हैं। इन सिम्बियोट्स की सबसे खास बात ये होती है कि इन सिम्बियोट्स की नेक्स्ट जनरेशन हमेशा इनसे ज्यादा पावरफुल और एडवांस होती है। तो यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस एलियन रेस के बारे में, और मे बी ये इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों को पता भी होगी। अब बात कर लेते हैं उन टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट्स के बारे में जिनको बताने के हमने इस वीडियो को बनाया है। नंबर 10, स्कॉर्न। स्कॉर्न का फर्स्ट अपीयरेंस कार्नेज के इश्यू 4 में दिखाया गया था। स्कॉर्न बेसिकली कार्नेज का ऑफस्प्रिंग है, क्योंकि स्कॉर्न को माइकल हेल ने कार्नेज की स्पॉन से बनाया था। इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास भी सभी सिम्बियोट्स जैसी पावर है, और इसके अलावा ये अपने होस्ट की मेमोरी को पढ़ भी सकती है और उसे मिटा भी सकती है। ये किसी भी सिम्बियोट को ट्रैक भी कर सकती है, और तो और ये अपनी टेक्नो हाइब्रिड एबिलिटी की हेल्प से किसी भी मशीन पर पूरा कंट्रोल करके उसे प्रोग्राम, स्कैन और डिफ्यूज भी कर सकती है। नंबर 9, एंटी वेनम। तो एंटी वेनम एक ऐसा सिम्बियोट है जो कि सिम्बियोट रेस से बिलोंग करता है भी और नहीं भी, और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सिम्बियोट की ओरिजिन बाकी किसी भी सिम्बियोट से डिफरेंट है। कॉमिक्स के अंदर एंटी वेनम का क्रिएशन तब होता है जब एडी ब्रॉक के साथ वेनम का बॉन्ड नहीं होता, लेकिन उसकी बॉडी में अभी भी वेनम के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, और उसके अलावा एडी ब्रॉक को कैंसर भी होता है, जिसके बाद एडी ब्रॉक अपने बॉस मिस्टर नेगेटिव के टच में आ जाता है, जिस वजह से मिस्टर नेगेटिव की कुछ पावर्स एडी ब्रॉक के अंदर आ जाती है, और उसके बाद मिस्टर नेगेटिव की पावर्स वेनम के बचे हुए पार्टिकल्स और एडी ब्रॉक व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ मिलकर एंटी वेनम को क्रिएट करते हैं। अगर बात करें एंटी वेनम की पावर्स की, तो ये वो सब कर सकता है जो एक नॉर्मल सिम्बियोट कर सकता है, चाहे बात हो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी की या फिर शेप शिफ्टिंग की। लेकिन जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी सुपर हीलिंग फैक्टर, क्योंकि ये अपने होस्ट को किसी भी इंजरी से बेहद ही जल्दी हील कर सकता है। और ये ना सिर्फ अपने होस्ट को हील कर सकता है बल्कि ये किसी दूसरे पर्सन को भी एंटी वेनम देकर हील कर सकता है। इसके अलावा एंटी वेनम की एक और स्पेशलिटी ये है कि इस पर दूसरे सिम्बियोट्स की तरह फायर और साउंड वेव्स का कोई असर नहीं होता, और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एंटी वेनम का सिम्बियोट्स के प्लेनेट क्लिंटार से कोई भी कनेक्शन नहीं है। एंटी वेनम की खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जिस वजह से इसका होस्ट इसे अपने मन मुताबिक फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है। पर एंटी वेनम की सिर्फ एक वीकनेस है कि वो जब भी मिस्टर नेगेटिव के कॉन्टेक्ट में आता है तब उसकी हीलिंग पावर्स खत्म हो जाती है, और इस बात का फायदा उठाकर इसका कोई भी एनिमी इसके होस्ट को इजिली मार सकता है। नंबर 8, स्क्रीम। तो स्क्रीम का फर्स्ट अपीयरेंस कॉमिक्स के अंदर 1993 में आई वेनम लीथल प्रोटेक्टर के इश्यू 4 में हुआ था। स्क्रीम को भी वेनम के स्पॉन से ही बनाया गया था, और ये भी लाइफ फाउंडेशन द्वारा बनाए गए वेनम के 5 बच्चों में से एक थी। स्क्रीम की पर्सनैलिटी कॉमिक्स के अंदर एक एंटी हीरो या यूं कहें एंटी हीरोइन की थी, और इसकी सबसे पहली होस्ट डोना डियागो थी जो की खुद लाइफ फाउंडेशन के लिए ही काम करती थी। बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये भी स्पाइडरमैन की तरह वेब शूट कर सकती है, दीवारों पर चढ़ सकती है, और ये अपने बालों को भी वेपन बनाकर इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 7, स्लीपर। तो स्लीपर वेनम का ही 7वां बच्चा है, लेकिन इसका जन्म एक अनयूजुअल प्रेगनेंसी से हुआ था। इसके पैदा होने के बाद जैसे ही वेनम और एडी ब्रॉक को पता चली, वो दोनों ही स्लीपर को लेकर टेंशन में आ गए, क्योंकि उन्हें ये चिंता थी कि अगर इतनी छोटी सी उम्र में अगर स्लीपर किसी गलत बंदे के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अभी उसे बहुत कुछ सीखना है, वरना वो गुमराह होकर एक मॉन्स्टर भी बन सकता है, ठीक कार्नेज की तरह। इन सब से बचने के लिए वेनम और एडी ब्रॉक ने स्लीपर को एल्केमिक्स रिसर्च फैसिलिटी के पास छोड़ दिया ताकि वो वहां सुरक्षित रह सके। लेकिन स्लीपर एक अच्छा सिम्बियोट निकला, और इसने आगे चलकर एडी ब्रॉक के बेटे के साथ बॉन्ड बनाया। बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो स्लीपर वो सभी पावर्स पोजेस करता है जो कि किसी भी सिम्बियोट के पास होती है। इसके अलावा इसकी पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। इन सब के अलावा ये वेब शूट भी कर सकता है। नंबर 6, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का नाम हाइब्रिड इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये 4 अलग अलग सिम्बियोट से मिलकर बना है, जो कि है रायट,
फेज, लैशर और एगोनी। दरअसल इन चारों सिम्बियोट्स के होस्ट को स्क्रीम ने मार डाला था, जिसके बाद इन चारों ने मिलकर एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बना लिया और तभी से इनका नाम पड़ा हाइब्रिड। हाइब्रिड एक ऐसा सिम्बियोट है जो कि जिसके साथ भी बॉन्ड बनाता है उसके अंदर चार अलग अलग सिम्बियोट्स की कॉन्शियसनेस और पर्सनैलिटी आ जाती है। बात करें हाइब्रिड की पावर्स की तो इसके पास भी हर सिम्बियोट की तरह सिम्बियोटिक पावर्स हैं, लेकिन ये स्पाइडरमैन और वेनम की तरह वेब शूट कर सकता है। और एक खास बात ये कि ये सिम्बियोट हर वक्त गुस्से में ही रहता है। हाइब्रिड चार सिम्बियोट से मिलकर बना है, जिस वजह से इसके पास चार सिम्बियोट्स की पावर है जो कि इसे बेहद ही ताकतवर बना देती है। नंबर 5, वेनम। तो वेनम सभी सिम्बियोट्स में सबसे ओरिजिनल और मोस्ट फेमस सिम्बियोट है। वेनम एक हीरो है, एक विलन है, एक एंटी हीरो है और एक एंटी विलन भी। अगर आपने वेनम की लाइव एक्शन मूवी देखी हो तो आपको यह पता होगा कि वेनम सिम्बियोट रेस के सबसे वीक सिम्बियोट्स में से एक है, लेकिन इसका होस्ट एडी ब्रॉक है जो कि वेनम के लिए एक परफेक्ट होस्ट है और इसी वजह से वेनम की पावर्स काफी ज्यादा एनहेंस हो जाती है। तो बात करें वेनम की पावर्स की तो वेनम की पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी। इनके अलावा वेनम शेप शिफ्टिंग कर सकता है, वेब शूट कर सकता है, दीवारों पर चढ़ सकता है और तो और अपने होस्ट की किसी भी इंजरी को हील भी कर सकता है। कॉमिक्स में वेनम पहली बार दिखा था 1984 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 252 में, जिसके अंदर वो अपना होस्ट बनाता है पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को। और ठीक 4 साल बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 300 में वेनम अपने प्रॉपर अपीयरेंस में दिखता है, जहां ये एडी ब्रॉक से अपना बॉन्ड बनाता है। नंबर 4, कार्नेज। वेनम लेट बी द कार्नेज के ट्रेलर को देखने के बाद हमें ये तो पता चल चुका है कि इस मूवी में कार्नेज वेनम का मेन विलन बनकर सामने आएगा। तो बात करें कार्नेज की ओरिजिन की तो कार्नेज वेनम का पहला ऑफस्प्रिंग है और इसके होस्ट का नाम क्लीटस कैसिडी है। कॉमिक्स के अंदर बताया गया है कि जब वेनम सिम्बियोट ने एडी ब्रॉक की जेल से भागने में मदद की थी तभी उसने अपने एक ऑफस्प्रिंग को वहीं जेल के अंदर छोड़ दिया था, जिसके बाद वेनम के उस छोटे से ऑफस्प्रिंग ने एडी ब्रॉक के जेल के साथी क्लीटस कैसिडी के साथ बॉन्ड बना लिया। क्लीटस कैसिडी एक साइको, मेंटली इल और एक सीरियल किलर है जो कि अपनी लाइफ में बहुत से लोगों का मर्डर भी कर चुका है। और जब इस साइको आदमी के साथ वेनम का ऑफस्प्रिंग मिला तब जन्म हुआ कार्नेज का। अब अगर कार्नेज की पावर्स एंड एबिलिटीज पर नजर डालें तो हमें पता लगता है कि कार्नेज के पास भी वेनम जैसा अपीयरेंस और पावर्स हैं। यानी कार्नेज भी अपने फादर वेनम की तरह दिखता है और इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना जैसी एबिलिटीज हैं। लेकिन क्योंकि कार्नेज वेनम का सक्सेसर सिम्बियोट है इसीलिए कार्नेज की पावर्स वेनम की पावर्स से भी सुपीरियर है। और तो और कार्नेज मन चाहे वेपन्स को भी क्रिएट कर सकता है और उससे अपने अपोनेंट पर अटैक भी कर सकता है। नंबर 3, टॉक्सिन। टॉक्सिन एक बेहद ही पावरफुल सिम्बियोट है जो कि कार्नेज का पहला बच्चा है। टॉक्सिन अपनी लाइनेज का 1000वां सिम्बियोट है और इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डेंजरस सिम्बियोट्स में से एक माना जाता है। टॉक्सिन कार्नेज का सक्सेसर है, जिस वजह से इसकी पावर लेवल्स भी कार्नेज और वेनम दोनों से ही ज्यादा है। कॉमिक्स के अंदर टॉक्सिन का होस्ट पैट्रिक मुलिगन होता है, जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक पुलिस ऑफिसर होता है। और इस पुलिस ऑफिसर के बारे में वेनम 2 के ट्रेलर में भी टीज किया गया है, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में टॉक्सिन का रेफरेंस हो। टॉक्सिन के पास जितनी भी पावर्स हैं वो किसी भी सिम्बियोट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और टॉक्सिन की पावर्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि कॉमिक्स के अंदर वेनम और कार्नेज मिलकर भी टॉक्सिन को हरा नहीं पाए थे, जबकि उस वक्त टॉक्सिन का होस्ट पैट्रिक मुलिगन होता है। क्योंकि कॉमिक्स के अंदर एक वक्त पर एडी ब्रॉक भी टॉक्सिन का होस्ट बन चुका है, जो कि हर एक सिम्बियोट के लिए एक बेहद ही अच्छा होस्ट है। और एडी ब्रॉक के टॉक्सिन का होस्ट बनने के बाद टॉक्सिन की पावर्स नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। नंबर 2, ग्रैंडल। तो ग्रैंडल एक सिम्बियोट ड्रैगन है जिसे खुद गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल ने क्रिएट किया है। एक सिम्बियोट ड्रैगन होने की वजह से ग्रैंडल सभी सिम्बियोट से बहुत ज्यादा पावरफुल है, बल्कि इसकी पावर लेवल्स तो इतनी ज्यादा है कि ये गॉड लाइक बींग्स को मारने के भी कैपेबल है। कॉमिक्स के अंदर ग्रैंडल सबसे पहले अपियर हुआ था 2018 में आई वेनम वॉल्यूम 4 इशू 1 के अंदर, जहां इसे 30 से 40 फुट बड़ा और हजारों किलो भारी बताया गया था। वैसे तो नल ने ग्रैंडल के अलावा और भी कई सिम्बियोट ड्रैगन्स को क्रिएट किया था, लेकिन ग्रैंडल उन सभी में सबसे पावरफुल था। ग्रैंडल की पावर्स एंड एबिलिटीज हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना। अगर बात करें इसकी स्पीड की तो ये क्विक सिल्वर जितना फास्ट है, इसका हीलिंग फैक्टर कमाल का है और ये बड़े आराम से शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है। लेकिन इस ड्रैगन की वीकनेस है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसे बेहद ही कमजोर बना देती है और इलेक्ट्रिक अटैक होने से ये वीक पड़ जाता है। ग्रैंडल की सबसे स्पेशल पावर ये है कि इसे किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी बॉडी का कोई भी पार्ट किसी को भी अपना होस्ट बना सकता है। नंबर 1, नल। तो नल सभी सिम्बियोट्स का गॉड है और इसी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। अगर बात करें नल की कॉमिक बुक ओरिजिन की तो नल बिग बैंग से भी पहले से ही इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। नल हमेशा अंधेरे में ही रहता था और इसे अंधेरे से ही प्यार था, लेकिन तभी सेलेस्टियल्स ने आकर उन खाली और अंधेरी जगहों पर आकर दुनिया को बनाना शुरू कर दिया और उन अंधेरी जगहों को रोशनी से भरने लगे, जिन्हें देखकर नल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने उन सेलेस्टियल्स पर हमला कर दिया, जिसके बाद नल ने अपनी परछाई से सिम्बियोट रेस को पैदा किया। अगर बात करें नल की पावर्स की तो इसने बहुत से सेलेस्टियल्स और गॉड लाइक बींग्स को मार रखा है।
आप इसकी पावर्स का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इसने अपनी परछाई से ही सिम्बियोट जैसी पावरफुल रेस को क्रिएट किया है। तो फिर जो अपनी सिर्फ परछाई से ऐसी पावरफुल सिम्बियोट रेस को पैदा कर सकता है वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हालांकि इसने कॉमिक्स के अंदर इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ किया है, और अगर आप नल की कम्प्लीट ओरिजिन जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नल पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको नल की कम्प्लीट ओरिजिन, उसके द्वारा किए गए इवेंट्स, नल का मकसद और थॉर के सबसे बड़े विलन गौर द गॉड बुचर से इसका कनेक्शन भी बताऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो। तो यही वो हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट्स की लिस्ट थी। आपको ये लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। किस बात का वेट है भाई, कर लो कर लो। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।